नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के बल्लारपुर शहर से सटे बामनी बेघर के एक आदमी पर उस वक्त बाघ ने हमला कर मार डालने की घटना सामने आई जब वह जंगल में लकड़ी लेने गया था। बामनी बेघर निवासी दिवाकर मनोहर उमाटे उम्र 56 वर्ष 13 अप्रैल की सुबह केम तुकुम के जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गया था। रात हो जाने के बाद भी जब वह घर नहीं लौटा तो उसके परिजनों ने अगले दिन 14 अप्रैल की शाम 6:30 बजे फॉरेस्ट गार्ड केम को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी बल्लार शाह ने अधीनस्थ वन कर्मचारी के साथ जंगल में रात्रि सर्च अभियान शुरू किया। जंगल में दिवाकर मनोहर उमाटे की तलाश के दौरान उनकी लाश बल्लार शाह के घने जंगल में मिली। मौके का निरीक्षण करने पर पता चला कि दिवाकर मनोहर उमाटे की मौत बाघ के हमले में हुई है। उसी समय मृतक की लाश को कब्जे में ले लिया गया और पुलिस विभाग के कर्मचारी और मृतक के रिश्तेदारों ने मौका पंचनामा दर्ज किया और लाश को परीक्षण के लिए पुलिस विभाग को सौंप दिया गया था। वहीं मृतकों के परिजनों को सहायता राशि दी गई है। उप मामले की आगे की जांच उप वन संरक्षक चंद्रपुर मध्य चांदा वन विभाग श्वेता बोड्डू सहायक वन संरक्षक आदेश कुमार श्रीडंगे के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी बल्लार शाह नरेश भौवरे कर रहे हैं। उस बाघ को कैद करने के लिए दो टीमों का गठन किया गया और बाघ के रेंज में 15 ट्रैप कैमरे और 4 लाइव कैमरे लगाकर बाघ को कैद करने की प्रक्रिया चल रही है। बल्लार शाह बामनी के पास वन क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी के चलते वन विभाग ने नागरिकों से जंगल में नहीं जाने की अपील कर रही है। शहर की गली गली में ऑटो से जंगल में नहीं जाने का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। इसके बावजूद भी नागरिक खुद की सुरक्षा में लापरवाही बरत रहे हैं। अब तक करीब 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से रमेश निषाद की रिपोर्ट। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहे जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।